मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत अद्भुत बात है, एक मेरा हार्डवर्क रहा, डेडिकेशन रहा, कई बार लाइफ में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। संतोष शुक्ला वो नाम है जो भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार के रूप में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म जय हो के लिए जाना जाता है, जहां रियल लाइफ में हीरो कहे जाने वाले संतोष ने विलन का रोल बखूबी निभाया था। लखनऊ में जन्मे संतोष ने पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई का रुख किया। छोटे पर्दे पर काम करने के बाद उन्हें बिग ब्रेक मिला सलमान खान के अपोजिट फिल्म जय हो में। लखनऊ से फिल्म इंडस्ट्री की ओर मुकाम हासिल करने में अहम भूमिका रही उनके पिता स्वर्गीय मोहन कृष्ण शुक्ला की। संतोष के पिता ने उन्हें हर उस कठिनाई से लड़ना सिखाया जहां संतोष अपना हौसला खो बैठते थे। जब जब संतोष अपने करियर को लेकर परेशानी में आते, तब तब उन्हें पिता का साया तपती धूप में परछाई के रूप में मिल जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत किसी को वक्त बताकर नहीं आती। 13 अगस्त का वो दिन था जब संतोष के पिता श्री मोहन कृष्ण शुक्ला का सड़क हादसे में देहांत हो गया। जाहिर है संतोष के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। He was such a great man, my father, Mohan Krishna Shukla. I salute him. He was my hero, and he will still remain my hero. पिता को खोने का दुख तो था ही, लेकिन साथ ही कंधों पर आ गई पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। लेकिन संतोष के साथ थी पिता की सीख, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें हौसला दिया। एक चीज सिखा के गए कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता कि कौन कब जाएगा। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग भी इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लाइव टुडे चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप मंदिर जाएं, लेकिन आपके घर में जो आपके माँ बाप हैं उनकी इज्जत करें और उनका आशीर्वाद लें। जब तक वह हैं इस दुनिया में, आपको शायद उनका एहसास नहीं होगा कि उनकी क्या वैल्यू है, लेकिन उनके जाने के बाद जो एहसास होता है वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। स्वर्गीय मोहन कृष्ण शुक्ला ने अपने जीवन काल में कई बुलंदियों को छुआ। उन्होंने नेशनल हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई बड़े अखबारों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ से पुष्पा पब्लिक सिटी के नाम से एड एजेंसी खोली, जिसने शहर में अपनी अलग पहचान बनाई। कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, तो कुछ अपनी मेहनत से जीवन को आदर्श बना देते हैं। स्वर्गीय मोहन कृष्ण शुक्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जाहिर है उनके जाने के बाद भी हर कोई उनकी यादों को संजोए बैठा है। संतोष के घर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में आए सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन किया, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दिवंगत मोहन कृष्ण शुक्ला को लाइव टुडे की श्रद्धांजलि।